लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीबी न्यूज में आपका स्वागत है। लग रहा है मोदी सरकार के द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत और नमामि गंगे अभियान कॉरपोरेट्स को पसंद नहीं आ रहा है। इस बात का खुलासा कंपनियों द्वारा CSR पर किए गए खर्च से हुआ है। कंपनियों ने अपने कुल खर्च का केवल 3.64% स्वच्छ भारत कोष और स्वच्छ गंगा पर खर्च किया है। यूपीए सरकार ने साल 2014-15 कंपनियों के लिए अपने प्रॉफिट का 2% CSR पर खर्च करना अनिवार्य कर दिया था, जिसके तहत 500 करोड़ रुपए नेटवर्थ या 1000 करोड़ टर्नओवर या फिर कम से कम 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट करने वाली कंपनियों के लिए ऐसा करना जरूरी है। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2016 तक 5097 कंपनियों ने CSR संबंधित आंकड़े सरकार के सामने पेश किए हैं। इन कंपनियों ने 9822 करोड़ रुपए CSR पर खर्च किए हैं, जिसमें से स्वच्छ भारत कोष के लिए 355 करोड़ रुपए और स्वच्छ गंगा फंड के लिए केवल 3 करोड़ रुपए कंपनियों ने दिए हैं। जबकि नरेंद्र मोदी सरकार सबसे ज्यादा इन दो अभियानों पर प्रमुख रूप से फोकस कर रही है। कंपनियों ने करीब 67% पैसा हेल्थ, एजुकेशन, गरीबी दूरने के अभियान, भूख दूर करने, दिव्यांगों के लिए चले जा रहे कामों पर खर्च किया है। इसके तहत कंपनियों ने 6190 करोड़ रुपए खर्च किया है। इसके बाद कंपनियों ने रूरल डेवलपमेंट पर 1051 करोड़ रुपए कंपनियों ने खर्च किया है। कंपनियों ने CSR के तहत सबसे ज्यादा खर्च महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात में खर्च किया है। महाराष्ट्र में 1138 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 408 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में 379 करोड़, गुजरात में 338 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश में 322 करोड़ रुपए, राजस्थान में 285 करोड़ रुपए प्रमुख रूप से खर्च किए हैं। सबसे कम खर्च होने वाले राज्यों में बिहार, उत्तराखंड, गोवा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर जैसे राज्यों का नंबर आता है।